हेलो गाइस, तो कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक एजेंसी के बारे में। वैसे तो बहुत सारी एजेंसियां स्कैम कर रही है, लेकिन हम उसी की बात करेंगे जिसके बारे में हमको पता है, जिसके बारे में मैंने पूरा अभी सर्च किया है, ठीक है, कि ये न्यूज़ वाकई में सच है और उनकी कैसे कैसे करके वीडियो की क्लिप में अभी आगे जाके आपको पूरा दिखाऊंगा कौन कौन से वो बंदे थे, किस तरीके से स्कैम हुआ है, कितने पैसों का स्कैम किया है और कितने बंदे बेचारे, कितने बंदों के पैसे वो लेके भागे हैं, ठीक है। वो पूरी वीडियो में अभी आपको उन बंदों की फोटो भी देखने के लिए मिलेगी और आप बोलोगे तो मैं क्लिप भी, उनके वीडियो क्लिप है ना, जैसे अपनी डिमांड बताते हैं कि हमारे पास ये डिमांड आई, वो डिमांड आई है, और उनके सब्सक्राइबर भी अच्छे खासे थे, कितने लोग उनको फॉलो भी कर रहे थे, ठीक है। तो वो एजेंसी अभी मेरे ख्याल 3-4 साल के बाद में, लेकिन वो भाग गई, ठीक है। बहुत सारे बंदों के साथ स्कैम हुआ है, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। तो एजेंसी का नाम भी बताऊंगा, कितने मतलब बहुत सारे बंदों का तो अभी गिनती नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बंदों के साथ हुआ है स्कैम। और दुबई में अभी बहुत सारी एजेंसीज है ऐसी, ठीक है, जो भागने वाली हैं, ठीक है। अभी ये दुबई की खबर बता रहा हूँ कि बहुत सारी एजेंसी ऐसी है जो भागने वाली हैं। तो इसलिए आपको जब भी अप्लाई करना है, चाहे आप कुवैत में, सऊदी में, किधर भी हों, और सबसे ज़्यादा मतलब इसी कंट्री में क्यों बंदे फंसते हैं, क्योंकि उनको अभी एजेंट्स लोग को भी पता है अभी आप इधर काम करने के लिए आए हैं। फॉर एग्जांपल, अभी आप, मैं, जो कोई भी है, हम किस दूसरी कंट्री में क्यों जाते हैं, उधर काम करने के लिए, लेकिन अभी आप दुबई में आके उधर से आगे का अप्लाई करोगे तो पुलिस को आप बताओगे तो, लेकिन आपको उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी एजेंसी भाग ही गई तो पुलिस कहाँ से ढूंढेगी उनको, ठीक है। सबसे पहले तो अभी हम किसी एजेंसी को पैसा दे रहे हैं, हम किसी पुलिस वाले से पूछ के थोड़ी ना दे रहे हैं, ना किसी गवर्नमेंट के ऑफिसर से पूछ के दे रहे हैं कि सर हम इस कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हम तो चोरी करते हैं ना अप्लाई, ठीक है। और हम सबसे ज़्यादा स्कैम अभी जैसे एजेंट लोगों का स्कैम है ना, ज़्यादा दुबई, कतर, बहरीन में क्यों होता है, क्योंकि उनको पता है कि अभी हम अपनी एजेंसी, अपनी जो कंपनी है ना, उससे भी चोरी अप्लाई करते हैं कि यार मेरी कंपनी को ना पता चल जाए, अगर कंपनी को पता चल जाएगा कंपनी निकाल देगी, कंपनी एनओसी नहीं देती। इवन के बहुत सारे दोस्त हैं एनओसी भी एडिट करके लगाते हैं, जब भी जाना भी होता है, चलो उनका काम बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो स्कैम भी हो गया तो वो बेचारे बता ही नहीं सकते किसी को, ठीक है। और अभी जो एजेंट लोग हैं उनको पता है कि हाँ अभी दुबई में जो बंदा काम कर रहा है या कुवैत में, सऊदी में, किधर भी कर रहा है, उसको ज़्यादा नहीं तो 30-40 हज़ार तो एक महीने का कमा ही रहा है ना। जैसे अभी इंडिया में जाएंगे तो बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जिनकी बेचारों की सैलरी 10 हज़ार से भी नीचे है, तो वो तो सोचेंगे नहीं ना उस चीज़ का, जिसकी सैलरी है 10 हज़ार से नीचे है तो वो क्यों बेचारा सोचेगा 8-10 लाख लगाने के लिए, 5 लाख लगाने के लिए, सोचेगा नहीं ना, क्योंकि उसकी सैलरी बेचारे की 10-15 हज़ार है तो उसमें क्या करेगा वो। और जो अभी इधर बैठे हैं, दुबई में बैठे हैं, तो अभी उनको क्या होता है, जैसे अभी दुबई में या किधर भी है, हम फ्रेंड सर्कल होता है, रूम पार्टनर्स होते हैं, बंदा कैसे भी करके एडजस्ट करता है, और एजेंट लोग को भी पता है कि अगर हमने एक बंदे का वीज़ा लगवा दिया कैसे भी करके तो 10 बंदे हमारे पास और आ जाएंगे, क्योंकि अभी हर कोई बंदा है ना इसी काम के लिए, दुबई, कतर, बहरीन में इसी काम के लिए आता है कि मैं दुबई में या कतर में जाऊँगा, थोड़ा टाइम उधर काम करूँगा, उसके बाद में उसको आगे मूव होना है, सही है। 2 साल काम कर लेगा, 3 साल काम कर लेगा, अभी वो पहले वाले ज़माने नहीं है। पहले बंदे आते थे, एक बार दुबई में आ गए, 15-20 साल उधर ही काम कर रहे थे, अभी वैसा नहीं है। अभी हर बंदा आता है, 2-3 साल काम करता है, उसके बाद में ट्राई करता है कि वो आगे मूव करे, तो उस चक्कर में ना बंदे बेचारे फंस जाते हैं। अभी बहुत सारे बंदों को इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है, बस उनको ये पता होता है कि मेरे को जाना है आगे, लेकिन उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई उन्होंने सर्च नहीं करना, ठीक है। अभी आपको फ्री आप YouTube पे सर्च कर सकते हो, फ्री आप Google पे सर्च कर सकते हो, देख सकते हो कैसे क्या सिस्टम होता है, सही है, कैसे किस कंट्री के लिए क्या प्रोसेस होता है, किस कंट्री को कितना टाइम लगता है, कौन सी कंट्री के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको वो पता नहीं होता है, आप अनजानों की तरह जाते हो, इसी बात का वो फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि आपको पता नहीं है किसी चीज़ का, ठीक है। अभी पोलैंड के लिए आपको पता है कि अभी कितना टाइम लग रहा है अपॉइंटमेंट के, ड्रॉ सिस्टम चल रहा है, अगर आपको पहले से पता हो ना तो आप एजेंट को बोलोगे कि पोलैंड कंट्री को स्किप करो, पोलैंड के बारे में बात भी नहीं करना, दूसरी कंट्री के बारे में बताओ। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है क्या सिस्टम चल रहा है तो आप बोलोगे कि हाँ यार पोलैंड का, तो वो आपको ऐसे प्रेजेंट करेंगे कि पोलैंड का जो सिस्टम है ना बहुत ईजी है, बहुत जल्दी काम बनता है,
लेकिन जब भी आपको बोलेंगे कि हाँ आपको पहले इतनी इनिशियल पेमेंट देनी है, उसके बाद में इतने बाद में देने, वर्क परमिट के बाद में, जब दूसरी पेमेंट आपने दी तो उनका पैसा पूरा हो गया, उसके बाद में ड्रॉ सिस्टम में आपका नाम एक महीने में आ जाए, हफ्ते में आ जाए, साल में आ जाए, वो उनको कोई लेना देना नहीं है। सही है? तो इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको यही बोला था कि जब भी आपको जाना है सबसे पहले सर्च करके जाएं कौन सी कंट्री का क्या सिस्टम चल रहा है, अपॉइंटमेंट कितना टाइम लग रहा है। तो अभी हम बात करेंगे उस एजेंसी के बारे में, ठीक है? तो उस एजेंसी का नाम था DMZ माइग्रेट और वो एजेंसी थी बुर्जमान में, ठीक है? तो मैं कोशिश करूंगा अगर मेरे को उसकी कोई ऑफिस की पिक मिली, क्योंकि मेरे थोड़े बंदे हैं जिनके साथ मेरी बात हो रही है, तो अगर मैं कोशिश करूंगा उनके ऑफिस की पिक मिली तो मैं ऑफिस की पिक भी आपको दिखाऊंगा। आगे जाके आपको पूरे स्टाफ की पिक्चर दिखेगी। मैंने पूरा ना उनका एक वो इकट्ठा किया है, सिस्टम इकट्ठा करके अभी आपको पूरा दिखाऊंगा कि ये बंदा है, क्योंकि अभी ये बंदे कौन सा जाएंगे कंट्री छोड़ के। अभी जो स्कैम हुआ है वो तो जो इनका मालिक था ना वो पैसे लेके भाग गया, अभी ये तो बेचारे इधर ही किधर ही काम करेंगे ना। लेकिन आपको पता होगा ना कि हाँ यार ये बंदे ने साले ने उस एजेंसी में स्कैम किया था, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको ये पिक्चर दिखा रहा हूँ कि ये बंदे अगर उनके साथ मिलके स्कैम कर सकते हैं ना। अभी बहुत सारे दोस्त है वो नए अभी जाएंगे दुबई में अप्लाई करने के लिए, कोई किसी ऑफिस में विजिट करेगा, कोई किसी ऑफिस में विजिट करेगा, सही है? तो अगर ये बंदे आपको मिलते हैं ना तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार ये बंदे सारे उधर से स्कैम करके आए थे, क्योंकि अभी दुबई में सेम बंदे तो रहेंगे नहीं, ठीक है? अभी जिन बंदों के साथ स्कैम हुआ है वो बंदे कौन सा फिर टिकेंगे उधर, वो ट्राई करेंगे फिर। अभी जिनका पैसों का लॉस हो गया, किसी का लाख ले गए इंडिया का, 2 लाख 3 लाख 4 लाख, इवन के एक बंदे का 25,000 दराम लेके गए, उसने कैनेडा के लिए अप्लाई किया था, अभी तो पता नहीं इतना पैसा उस दे ही क्यों दिया उसने बंदे ने। लेकिन ऐसा भी सुना मैंने कि 2-3 बंदे थे ऐसे कि जिन्होंने 25,000 दराम दिया था, और बाकी 3,000 4,000 2,000 वाले तो बहुत ज़्यादा बंदे हैं कि आप आइडिया नहीं लगा सकते कि वो रहे हैं। अभी मैं भी 2-3 वीडियो में भी देखा था एजेंट लोग 100-100 से ज़्यादा उनके पास वर्क परमिट रिसीव हो रहे हैं, एक दिन में 100 से ज़्यादा वर्क परमिट रिसीव हुए। तो सोचो अभी 100 से ज़्यादा वर्क परमिट रिसीव हुए, अगर एक बंदे से उन्होंने 5,000 भी चार्ज किया कि अगर आपका वर्क परमिट आ जाएगा तो आपको जो 5,000 जमा करना है, तो सोचो 100 बंदे का है तो कितना उनको, कितने दराम उनको चले गए, सही है? और वो तो चाहे वर्क परमिट आने के नेक्स्ट डे में भी भाग गए तो कितना पैसा लेके भाग जाएंगे वो। आप एक दिन में क्या कर लो, एक दिन में तो आप चेक भी नहीं करवा सकते वर्क परमिट को कि असली है नकली है क्या है जो है, लेकिन वो आपको वर्क परमिट पहले देंगे ही नहीं, वो बोलेंगे पहले पेमेंट जमा करो अपना वर्क परमिट लेके जाओ, और आपको टेंशन होती है कि हाँ यार मेरे वर्क परमिट की डेट निकल रही है, हाँ मैंने उनसे कमिटमेंट की थी कि मैं जब भी मेरा वर्क परमिट आएगा तो मैं पैसा दूंगा, आप पैसे देते हो तो उनका क्या पता नेक्स्ट डे भाग जाएं, तो क्या कर लोगे आप? कुछ भी नहीं कर सकते। पुलिस में क्या बताओगे कि सर मैंने इतने पैसे दिए थे, और पुलिस बोलेगी कि भाई हमसे पैसे पूछ के दिए थे क्या? अभी बंदे ही भाग गए हैं, कोई आपके पास आईडी नहीं होगी बंदे की, कोई आपके पास लाइसेंस नंबर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा आपके पास, तो आप कैसे क्लेम करोगे? हम बोल तो देते हैं कि हाँ यार दुबई की पुलिस है, दुबई में क्राइम रेट बहुत कम है, मैं मानता हूँ हर एक चीज़ में हर एक कंट्री का वखरा वखरा अलग अलग सिस्टम होता है, ठीक है? हर एक कंट्री में अलग अलग सिस्टम होता है, क्राइम रेट मानते हैं हम जीरो है, लेकिन अभी एजेंट्स जो फ्रॉड करने वाले वो तो कर रहे हैं ना, सही है ना? अभी हम एजेंट को पैसे देते हैं, हम किसी से पूछते नहीं हैं, हम खुद ही जाके जमा करवा के आते हैं ना अपनी जिम्मेवारी पे। तो इसीलिए आप जब भी आपको जाना है तो ये बंदों को खास कर ध्यान रखें, ठीक है? और मैं अभी उनकी टिकटॉक पे ना उनके क्लिप उठाए हैं तो वो आपको दिखाऊंगा क्लिप, कोई टिकटॉक पे कोई इंस्टाग्राम पे देख देख के उनकी आइडियाँ बनी हुई थी तो उनसे देख देख के क्लिप उठाए हैं, तो ये देख लीजिए आप। ये एक मैडम है, इसका जो एस्टर बोलते हैं इसको, इसका नाम तो पता नहीं क्या है, एस्टर बोलते हैं, ज़्यादातर वीडियो भी इसकी जो एस्टर के नाम पे आई है, आप एस्टर मैडम से अप्लाई करें, ये करें वो करें। और एक इधर फोटो आएगी, वो शहजाद है इसका नाम, ठीक है? ये सभी बंदे हैं ना जो पाकिस्तान के हैं, ठीक है? एक ये एस्टर है, ये भी पाकिस्तान की है, और ये शहजादा ये भी साला पाकिस्तान का ही है, और एक दूसरा क्या नाम है इसका अवैस आएगा, ये भी पाकिस्तान का ही है। अभी और भी स्टाफ होगा उनकी, मेरे को नहीं मिली फोटो, जितने का मेरे को मिला मैंने कलेक्ट करके आपको दिया दिखाया, ताकि अभी आप किसी दूसरे ऑफिस में पता करने के लिए जा रहे हो तो ये अगर बंदे आपको मिलते हैं उधर तो आप साफ समझ जाइए कि ये बंदे साले फेक हैं, ठीक है? इन बंदों पे बिल्कुल ट्रस्ट ना करें, आपको दिलाएंगे ट्रस्ट तो ये दिलाएंगे, ठीक है? लेकिन अभी कितने बंदों के साथ ये फ्रॉड करके गए हैं ना,
तो मैं तो बोलता हूँ उस बंदों को मिलाइए इनको, ताकि उनको अभी दुबई का जो रूल रेगुलेशन ऐसे हैं, अभी आपको एजेंट है, आपके पैसे मारे हैं, चाहे उसने आपको आमने सामने में मिल जाएगा तो आप उसको मार नहीं सकते हैं, ठीक है। अब अभी जैसे इंडिया में है, इंडिया में कोई बंदा आपके साथ स्कैम कर रहा है, कोई एजेंट आपके साथ स्कैम कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको मार मार के उसका मोर बना दोगे, ठीक है, अगर थोड़ी बहुत पैसों के, अगर आपको बाद में वो मिल जाता है। लेकिन दुबई में आप ऐसा नहीं कर सकते, आप हाथ नहीं उठा सकते। अगर आपके पास आप पैसे भी दिए हैं उनको, तो आपके पास स्पेशल उसका रिसिप्ट होना चाहिए, अगर आपको लीगल तरीके से पुलिस से इंक्वायरी करनी है। लेकिन उस टाइम में वो बंदा भी तो ऑफिस में होना चाहिए ना, अभी ऑफिस ही उठा के भाग गए, आपको तो इवन पता भी नहीं होगा कि ऑफिस किसके नाम पे है, किस पे नहीं है, ठीक है। और ये बंदों ने इतना बड़ा स्कैम किया कि हज़ारों बंदों को वर्क परमिट दिए हुए हैं, ठीक है, किसी को ये कैनेडा के नाम पे ठग के ले गए, किसी को पोलैंड, ज़्यादातर पोलैंड के नाम पे, किसी को इटली के नाम पे, किसी को जर्मनी के नाम पे, मतलब अलग अलग कंट्री का सिस्टम है ना। तो इनका सिस्टम वही है कि टिकटॉक पे लाइव होके बैठे रहो, जैसे कोई बंदा आता है, अटैच होता है, ऑफिस में बुलाओ उसको, अच्छे से उसका ब्रेन वॉश करो, पैसे लो, ठीक है। तो लेकिन अगर काम होता रहे, और ये बंदे सिर्फ उस चीज़ का मतलब वो करते हैं ना, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक ही बंदे की कितनी कितनी वीडियो बनाते हैं, वीजा इनका कोई नहीं लगता है, ठीक है, बस ऐसे ही है, किसी को 100 ग्राम 200 ग्राम दे के वीडियो बना ली कि हाँ तुम ऐसा, ये होता है काम, ठीक है, ये होता है, बंदे 100-100, 200-200 ग्राम लेके ना अपनी वीडियो बनवाते हैं। अभी एक दोस्त मेरे से मिला था, तो वो बोला मैं कोई मेडिकल का था उसका, तो उसको ना 1000 दिया रुपीस उन्होंने, वीडियो 20-25 सेकंड की वीडियो थी, उसमें उसको एक रोल करना था कि ये दवाई खाई मैंने, मेरे को बहुत प्रॉफिट हुआ, ऐसा ऐसा करके। तो ये पैसे लेके काम होता है, ठीक है। और हम लोग क्या है, यकीन कर लेते हैं कि हाँ यार सच में वीज़ा लगा, अभी वो आपको बताएंगे हाँ ये देखो इनका वीज़ा लगाया है, लेकिन अभी यूट्यूब पे कॉपीराइट आ जाएगा तो हम पूरा नहीं दिखा सकते हैं, तो समझ लो ना आप, ठीक है। तो इसीलिए आप सबसे पहले आपको खुद को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हाँ एजेंसी से आप किसी से भी अप्लाई करो, अगर आपको इन्फॉर्मेशन होगी ना तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार ठीक है ये बंदा थोड़ा फ्रॉड कर सकता है, ये ऐसा है ऐसा है। अभी चलो जिसको फ्रॉड करना है वो तो करके जाएगा, ठीक है, 100 बंदों का वीज़ा लगा के भी अगर उसको भागना है तो वो भागेगा, सही है। तो इसलिए आप मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आपको अप्लाई करना है तो बिल्कुल अच्छे से सोच समझ के अप्लाई करें, और सबसे पहले डॉक्यूमेंट पूछें उनके, पूछे उनके पास कौन सा लाइसेंस है आपके पास, ठीक है। तो अगर आप उनकी आईडी किसी की ले सकें तो वो ज़्यादा बेटर है, अगर आपके पास उसकी आईडी होगी ना तो साला बंदा वो किधर भी भागे, आप पुलिस में कंप्लेन कर सकते हो कि हाँ ये बंदा था, अभी पुलिस में जाके फोटो दिखाओगे तो वो नहीं पता चलेगा ना, इसलिए आप आईडी उनकी पूछें कि मेरे को अपनी आईडी दिखाइए, ठीक है, आईडी दिखाइए, अपना लाइसेंस दिखाइए, पूरी इंक्वायरी करने के बाद में ही अप्लाई करें, ठीक है। अभी और भी बहुत सारी एजेंसी है जो भागने वाली हैं, ठीक है, अभी मैं नाम उनका नहीं लूँगा, ठीक है, तो आप बिल्कुल अपना वी केयरफुल रहें, और ठीक है, और जो बुर्जमान में जहाँ अपने ज़्यादा सर उधर अलगुबेबा साइड में जो उधर है ना एजेंसीज, वो ज़्यादातर ऐसे ही हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल अपना मतलब ध्यान से अगर अप्लाई करना है तो ध्यान से करें, नहीं तो ये जैसे है दोस्तों के साथ हुआ है, बेचारों के साथ, किसी का कितना पैसा लेके भाग गए, किसी का कितना लेके भाग गए, तो ऐसा नेक्स्ट आपके साथ ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, बाय बाय।